राम दोस्तों, आज 10 फरवरी 2020 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे हम आपको इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, कह रहा है कि हाल ही में सुप्रीम ने भारत के किस मंदिर के गहनों के लिए लिस्ट बनाने का आदेश दिया है? तो ये है सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर के गहनों को बनाने का लिस्ट का आदेश दिया है। ये सबरीमाला किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है? तो भगवान अयप्पा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ इस मंदिर में महिलाओं को जाने के लिए वर्जित किया गया है। अब इसका अध्यक्ष कौन थे? ये जो सबरीमाला के जो अध्यक्ष थे, सी एन रामचंद्र, जो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। अब बात है, ये सबरीमाला कहाँ स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। अब केरल में स्थित है तो केरल के बारे में जान। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री पिनरेवी जो होता है और गवर्नर आरिफ मोहम्मद। वहाँ के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? केरल के उच्च न्यायालय के एस मानी। केरल में लोकसभा सीटें कितना है? तो 20 है। राज्यसभा सीटें 9 है। अब ये केरल के कोची में ही सी फूड शो का 21वें उद्घाटन हुआ था। केरल में ही सुपर फैब लैब उद्घाटन का भी आयोजन किया गया था और CAA का प्रस्ताव सबसे पहले पारित करने वाला पहला राज्य भी केरल है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में बोडो शांति समझौता के महोत्सव में शामिल हुए थे? तो ये है असम में। असम के ब्रह्मपुत्रा में बोडो शांति के सम्मेलन में समझौता में महोत्सव में शामिल हुए थे। वहाँ के एक अलगाववादी है NDFB, अलगाववादी नेशनल डेमोक्रेसी फ्रेंड ऑफ बोडोलैंड के साथ समझौता दिसपुर में हुआ था। अब आया दिसपुर, असम की राजधानी कहाँ है? तो असम की राजधानी दिसपुर। वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर कौन है? तो जगदीश मुखी। यहाँ असम में लोकसभा सीटें 14 हैं, राज्यसभा सीटें 7 हैं। असम में एक काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सिंघा वाले गैंड के लिए प्रसिद्ध है। और असम में ही सबसे पहले लागू करने वाले कौन कौन देश कौन क्या क्या चीज़ लागू करने वाले हैं? तो GST और NRC लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में गवर्नेंस की 23वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। मुंबई के बारे में जितने सारे तथ्य हैं जान लेते हैं। टॉप वाटर रैंकिंग में मुंबई पहला स्थान है। मुंबई को क्या कहा जाता है? 7 टापुओं वाला शहर कहा जाता है। मुंबई काला घोड़ा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो काला घोड़ा का आयोजन भी मुंबई में हुआ था। तैरता हुआ बास्केटबॉल कहाँ खुला है? तो मुंबई में खुला है। NSE और BSE दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई में है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब जो ई गवर्नेंस की 23वीं बैठक हुई थी, इसका थीम क्या है? ये आपको याद रखना है, भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? इसका विमोचन
वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। लिखा किनके द्वारा गया है, तो के रामकृष्ण के द्वारा ये चाइल्ड ऑफ डिफेंसी पुस्तक को लिखा गया है। और अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में के बाद लिस्टनिंग लर्निंग लीडिंग लिखा था, जिनका विमोचन अमित शाह ने किए थे। कोरा कोमारोस में हाई कम सिविलाइजेशन अवार्ड कोमारोस में हाई सिविलाइजेशन माइनर ऑर्डर ऑफ ग्रीन से सम्मानित किया गया था। किनको? तो वेंकैया नायडू को सम्मानित किया गया था। कोमारोस में हाई सिविलाइज माइनर ऑर्डर ऑफ ग्रीन से सम्मानित किया गया था। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए दोस्तों, ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों में शेयर करें। अगला क्वेश्चन 5 है कि हाल ही में न्याय वितरण प्रणाली के मामले में जस्टिस इंडिया रिपोर्ट में कौन सा राज्य पहला स्थान पर रहा? तो सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा में राज्यों में केरल रहे, और जनसंख्या 1 करोड़ से कम आबादी वाले में गोवा रहा फर्स्ट स्थान, पहला स्थान पर। यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया गया था। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया था? टाटा ट्रस्ट के द्वारा। न्याय वितरण प्रणाली, सबसे ज्यादा न्याय वितरण प्रणाली में सबसे बड़ा क्षेत्र आबादी के दृष्टि में पहला स्थान पर मुंबई महाराष्ट्र, और आबादी 1 करोड़ से कम के अर्थ में तो गोवा था। अब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोशियार, भगत सिंह कोशियार। महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? तो प्रदीप नंदा। अब महाराष्ट्र में कितना लोकसभा सीटें हैं? तो 48 लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें 19 हैं। और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के सरकार के द्वारा शिव भोजन जो 10 रुपया में प्रत्येक गरीब रेखा के नीचे के लिए भोजन का प्रदान किया गया योजना के अनुसार। अब महाराष्ट्र सरकार ने एक और योजना अनिवार्य कर देते हैं कि स्कूल में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो पुलेला गोपीचंद्र को। ये प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी और कोच भी रह चुके हैं। इन्हें 2005 में पद्मश्री और 2014 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अब बात है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 23 जून 1994 में लॉसेंस स्विट्जरलैंड में हुआ था। और स्विट्जरलैंड की जब बात आया था, स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, साथ हाल ही में DIFF में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसने जीता है? ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसने जीता है? तो ये फिल्म कास्टल ऑफ ड्रीम्स, ये ईरानी है, इनके डायरेक्टर रजा मीरा नीरी है। अब ये जो फेस्टिवल ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसका थीम क्या था? बेटर फिल्म, बेटर ऑडियंस एंड बेटर सोसाइटी। इसका आयोजन ढाका में किया गया था। अब ये देख रहे हैं ऑप्शन बी में ग्रीन बुक, ग्रीन बुक 2019 का ऑस्कर अवार्ड मिला था। और गोली बॉय, गोली बॉय को 2020 में ऑस्कर अवार्ड दिया जाएगा। और ये 1917 जो फिल्म, इसको गोल्डन अवार्ड बेस्ट फिल्म से सम्मानित किया गया है।
अगला क्वेश्चन 8 है कि हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये फेस्टिवल का आयोजन त्रिपुरा में किया गया है। ये इसे पहली बार त्रिपुरा में किया गया, लेकिन यह त्यौहार जो है नागालैंड का है, यह त्यौहार नागालैंड का है, लेकिन इसका आयोजन पहली बार कहाँ किया गया? त्रिपुरा में। अब बात आए त्रिपुरा में कि तो त्रिपुरा के बारे में जानते, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो अगरतला है। गवर्नर कौन, चीफ मिनिस्टर कौन है त्रिपुरा के? चीफ मिनिस्टर बिप्लव कुमार देव। गवर्नर कौन है? तो रमेश बेस्ट। अगला क्वेश्चन 9 है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है? तो सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी में पहला स्थान विराट कोहली है, दूसरा स्थान अक्षय कुमार का है और तीसरा स्थान रणवीर सिंह का है। मूल्यवान सेलिब्रिटी में सबसे पहला स्थान विराट कोहली, दूसरा स्थान अक्षय कुमार, तीसरा स्थान रणवीर सिंह। अगला क्वेश्चन 10 है कि हाल ही में किसने प्रसारण भारती के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए हैं? तो ए सूर्या ने, ये 2014 से अध्यक्ष रहे थे लेकिन अब ये इस्तीफा दे दिए हैं। अब बात है प्रसारण भारती की स्थापना, प्रसारण भारती की स्थापना 1997 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में। इनका सीईओ सीईओ कौन है? शशि शेखर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में कितने मेगा फूड पार्कों की स्थापना की मंजूरी दी है? तो 39 मेगा फूड पार्कों की देश भर में स्थापना करने की मंजूरी दी है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर ने ये 39 मेगा फूड पार्कों की स्थापना की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन 12 में, हाल ही में आई रिपोर्ट एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो में सबसे ज़्यादा रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गुमशुदा महिलाओं की संख्या किस राज्य में है? तो महिला एवं बच्चों क्या महाराष्ट्र है? महाराष्ट्र महिला एवं बच्चों के गुमशुदा में पहला स्थान टॉप स्थान पे है और सेकंड स्थान पे है मध्य प्रदेश। ये पहला स्थान पे है और सेकंड स्थान पे है मध्य प्रदेश। अब बात आए महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के राजधानी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। चीफ मिनिस्टर कौन है? तो कमलनाथ। गवर्नर कौन है? लालजी टंडन महाराष्ट्र के। तो उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर, भगत सिंह कोशियार गवर्नर है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 13 है कि हाल ही में दिनकर केशव राय का निधन हुआ है, वे कौन थे? ये प्रतिष्ठित पत्रकार महाराष्ट्र के थे जिनका निधन अब इनका निधन फिलहाल हुआ है। कौन है? तो दिनकर केशव राय। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एनसीपीआई ने किसे यूपीआई सेवा की मंजूरी दी है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई की मंजूरी दी है। तो ये है भास्रब की मंजूरी दी। अब भास्रब की स्थापना कब हुआ था? 2009 में। इसका हेडक्वार्टर क्या है? कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया है। इनका सीईओ कौन है? तो क्रिस डेनिया। और भास्रब का अधिग्रहण किस में हो गया? भास्रब का अधिग्रहण फेसबुक में कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्यों है? हाल ही में अमेरिका ने कितने देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है? तो ये है 27 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के जिले ने
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का कार्यान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। तो असम के सालामार मलकाचर जिला असम के ये जिला मातृ वंदना योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। अब बात आया असम के, असम तो यहाँ का लोकसभा सीटें कितना है, 14 है। राज्यसभा सीटें कितना है, 7 है। विधानसभा सीटें कितना है, तो 126। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो सर्वानंद सोनवाल। गवर्नर कौन है, तो जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनाने की घोषणा की है। तो यह है उत्तराखंड की राज्य सरकार ने। लक्ष्मण झूला 2020 में बंद कर देने के बाद वहाँ पे उसी के स्थान गंगा नदी के किनारे ये कौन सा झूला, ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनाने की घोषणा की है। अब बात आए उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी का देहरादून। वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर कौन है, तो बेबी रानी मौर्या। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मिस्टिक किलिंग अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो मनोज दास को प्रदान किया गया। अब ऑप्शन ए में देख रहे शिल्पा भाटिया, तो शिल्पा भाटिया स्पाइस जेट के नए CCO के कमर्शियल ऑफिसर बने हैं। जो ठीक पहले के वीडियो में आपको बता दिए थे। क्वेश्चन 19 है कि हाल ही में किसने क्रेडिट स्विस के CEO पद से इस्तीफा दे दिए हैं, तो यह है तर्जन थियम। अब क्रेडिट स्विस इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1946 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन लास्ट है, हाल ही में टाटा टेली सर्विसेज ने किस कंपनी की विलय की है, तो ये है भारती एयरटेल को टाटा सर्विसेज टेली सर्विसेज में विलय की है। अब इसका स्थापना भारती एयरटेल इसका स्थापना कब हुआ, तो 1995 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली। थैंक यू मेरे वीडियो का अंत तक देखने के लिए।